بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعين الكرام حاضرين مجلس عزيز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیو پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی
एक आयत शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी तमाम नबियों के सरदार आकाए नामदार ताजदार मदीना सदगुम्मत के मकी काली कमली वाले सुनहरी जाली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो मुबारक अहादीस आप लोगों के सामने पड़ी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बात को सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उम्मत तक सही इल्म पहुंचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों, गुज़िश्ता जुमा मौत के बाद वापस उठना है उस पर कुछ अर्ज किया था। इसी मजमून से चंद जुमा से यही बात चल रही है और आज भी यही बात होगी इंशाअल्लाह कि जो जिंदगी अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी है वो बहुत मुख्तसर है। इसलिए कहा जाता है कि दो चीज की फिक्र मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए, एक तो रोजी है जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, अब उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, और एक यकीन है कि मौत आने ही वाली है, मुझे भी यकीन है और बच्चे बच्चे को यकीन है, लेकिन यह पता नहीं है कि कब आने वाली और किस वक्त आने वाली कहां आने वाली है। ये अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है, इसका इल्म और उसका नॉलेज अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। इंसान को यह तो मालूम है कि मैं काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं सर्विस करूंगा तो मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, रोजी कमाऊंगा, ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि मौत कब आएगी और किस वक्त आएगी और कौन से दिन आएगी, ये नहीं पता है। इसलिए मैंने कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से कहा कि आप बड़े जुल्म करते हो। बोले कैसे? कि आप ऐसे उठाकर ले जाते हो, पता भी नहीं करते हो, इत्तला भी नहीं करते हो, खबर भी नहीं करते हो, मैसेज भी नहीं करते हो कि मैं आ रहा हूं और आपको लेकर चला जाऊंगा। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं आने से पहले बेल बजाता हूं, इत्तला करता हूं, खबर करता हूं, लेकिन दुनिया की जिंदगी में इतने मशगूल हो गए, इतने लचपच हो गए कि हमें मौत की याद ही भूल गई कि मौत आना है। और आज के जमाने की जो फैशन है वो कहते हैं कि जब आएगी तब देखी जाएगी। मौत इत्तला करती है सफेद बाल, एक ऐलान है हदीस में है कि मौत तुम्हें इत्तला करती है कि अब तुम बहुत करीब हमारे पंजे में आने वाले हो। दार का दर्द, सर का दर्द, बीमारी, हालात, मुसीबत, ये सब इत्तला और मैसेज करते हैं कि अब मलिकुल मौत बहुत करीब आने वाला है, मौत तुम्हारे सरों पर खड़ी है। जितना जल्दी और जितना फाश रोजी अल्लाह ताला देता है इतनी ही जल मौत तुम्हारे करीब आकर पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत तुम्हारे सरों पर खड़ी है और मौत से भी करीब, तुम्हारी सहरत से भी करीब तुम्हारा कौन है बोलो भाई? अल्लाह है। सब रिश्तेदार, तमाम औलाद, तमाम बीवियां, तमाम दुनिया के रिश्तेदार बाद में आएंगे, सबसे पहले करीब कौन आएगा बोलो? अल्लाह के जात।
जैसे मां के पेट में अल्लाह ताला ने 9 महीने तक रखा मुझे और आपको, पता है किस तरह रहे हम? मां का पेट इतना छोटा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और ये पूरा मजमून सूरह कौफ के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। मां के पेट में, मेरे पेट में और आपके पेट में एक छोटी सी गांठ हो जाए तो इंसान कितना बेचैन हो जाता है, बेचैन होता है कि नहीं होता? ऑपरेशन करवाता है, इसके ट्रीटमेंट करवाता है और ना जाने क्या क्या करवाता है इतनी गांठ हो जाने के बाद। लेकिन जब अल्लाह ताला एक फिट का बच्चा उसके माँ के पेट में रखता है तो उसके माँ को क्या तकलीफ होती होगी, वो माँ कैसे बर्दाश्त करती होगी? अल्लाह ताला फरमाता है कि 9 महीने तक हमने तुम्हारी माँ के पेट में हमने पाला और तुम्हारी सांस को चलाया और तुम्हें रोजी तुम्हारी माँ के पेट में पहुंचाई। अब तुम जवान होकर यूं कहते हैं कि मौल साहब नमाज के टाइम पर जॉब का है, जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, जॉब से आने का वक्त नहीं है। तो बताओ जो अल्लाह मुझे 9 महीने तक और आपको 9 महीने तक माँ के पेट में खिलाता रहा, पिलाता रहा और सुलाता रहा, वो अल्लाह को कितना गुस्सा आता है। जब 9 महीने के बाद हम जब दुनिया में आए और रफ्ता रफ्ता तौर बतौर अतवार दर अतवार आहिस्ता 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 बड़े हुए और बड़े होने के बाद जब हमारे बाजू मजबूत हो गए, ये सब कुरान का तर्जमा है, जब हमारे बाजू मजबूत हो गए और फिर हम अल्लाह को ये ललकारे कि अल्लाह हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मस्जिद में आने का वक्त नहीं है, हमारा जॉब का टाइम है, दुकान पर घराकी का टाइम है, बीवी बच्चों के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन अल्लाह के घर में आने से और अल्लाह के सामने दो आंसू बहाने का मेरे पास और आपके पास टाइम नहीं है। अल्लाह कहता है कितना बेवफा है, कितना बेवफा है। जो अल्लाह ने माँ के पेट में रखा वो अल्लाह दुनिया में लाया और जब तू रोता था तो गरम गरम नहरे तेरे मुंह में किसने जारी फरमाई, किसने जारी की बोलो भाई? अल्लाह ने। और तू रोता था तेरी माँ समझ जाती थी तुझे क्या हो रहा है, उसकी जुबान किसको समझाने के लिए मैंने सलाहियत दी थी, मैंने सलाहियत दी तेरी माँ को। तू रोता था और पूरी रात तेरे माँ बाप परेशान रहते थे, अब तू आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गया, अब तो तेरे माँ बाप को भी ललकारता है और अल्लाह को भी ललकारता है, तो कौन सी खेत में जाकर तू गिरेगा, तुझे कौन पनाह देगा, तुझे कौन बचाएगा? इंसान दुनिया में आता है तो यही कहता है मौल साहब एंजॉय करिए, आप तो एंजॉय करिए, जिंदगी छे तो खावानू भी पीवानू भी रखरवानू भी ऐशो आराम भी करवानू, करो कोई मना नहीं करवा, लेकिन उसके साथ अल्लाह के हुक्म, उसके साथ नमाजों की पाबंदी, उसके साथ अल्लाह के सामने रोना, उसके साथ कुरान पाक की तिलावत, उसके साथ अल्लाह की रजा की वाली जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया भी अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए आफियत वाली बना देगा और मौत ऐसी अता करेगा कि देखने वाले अश अश करेंगे कि मौत हो तो ऐसी हो। आप देखते हैं लोग नमाज पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं अल्लाह की मुलाकात, लोग सजदे में होते हैं और उसका रूह बोलो भाई निकाल कर मलिकुल मौत ले जाता है, कुरान पढ़ते पढ़ते लोग चले जाते हैं, काबतुल्लाह का हज करते करते लोग चले जाते हैं, सलात व सलाम पेश करते करते लोग चले जाते हैं। ये अलामत है कि ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का प्यारा है, तो ही तो अल्लाह ने अपने घर में मौत दी उसको, अपने घर में मौत। मरना तो मुझे भी है और आपको भी है, बड़े बड़े टिशमार खान दुनिया में आए जो मूछो पर ताव देते थे, कहते थे कि दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही, शेख सुलेमान नदवी कहते हैं दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही, वहां जाके देखो कि कैसी रही, वहां जाकर देखो कि कैसी रही, कब्र में जो छूट गए और कब्र की महली मंजिल जो पास हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हर मंजिलों में पास होता चला जाएगा। इसलिए हदीस में है कि जहन्नम का एक घरा है कब्र या जन्नत का एक
टुकड़ा है। यहां से पता चल जाता है कि कामयाब है या नाकामयाब है। तो मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया में अल्लाह ने मेरे आपके तकदीर में जो लिखा है वो तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं, मुझे और आपका इस पर ईमान है। लेकिन आखिरत बनी या ना बनी, मौत के बाद मेरी जिंदगी कैसी रही, कामयाब हुआ या पकड़ा गया, ये असल जिंदगी है। यही चीज मैं आपको एक महीने से समझा रहा हूं। अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक दे और आपको समझने की सलाहियत अता फरमाए। अल्लाह अजीजो मेरे प्यारो, असल जिंदगी मौत के बाद है, जन्नत है। वहां कोई परेशानी नहीं, वहां कोई टेंशन नहीं, वहां कोई फिक्र नहीं। अल्लाह राजी तो दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी, उकबा भी आबाद। और आज हम यूं कहते हैं, मौलवी साहब आज तक जो मर गए हमने उसको जिंदा होते देखा नहीं है, कि वापस कैसे जिंदा होंगे। मैं कह रहा हूं जिंदा होंगे। अल्लाह को पता था कि जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी उम्मत आएगी ये सवाल करेगी। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में आएगी, वो सवाल करेगी कि अल्लाह तू वापस कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से सवाल करवाया। किससे सवाल करवाया बोलो भाई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, वइज काल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता। ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? जो ही सवाल मेरे दिल में और आज के दिल में जो लिखा पड़ा हजरात हो वो उसके दिल में आता है कि अल्लाह वापस कैसे जिंदा करता है। और याद रखो, मौत के बाद बाज के बदन जमीन खा जाती है और बाज का बदन वैसा के वैसा अल्लाह हिफाजत के साथ रखता है, वैसे के वैसा। मोहम्मद के गुलामों को जमीन खाती नहीं है, जमीन मैली नहीं होती। बोलो, कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अजीजो मेरे प्यारो, बास अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबियों की कबर है। मुसलमानों, उनके बदन कबर नहीं खाती, जमीन नहीं खाती। जमीन पर हराम कर देते नबियों की लाश पर, नबियों की बदनों पर, नबियों की बदन को जमीन पर हराम कर दिया है। जमीन उसको टच भी नहीं करती, खाती भी नहीं। नबी हमारा ईमान है, अपने कब्र मुबारक में जिंदा है। हर नबी बोलो भाई अपने कब्र में कैसा है? बोलो भाई जिंदा। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है उस पर। और अल्लाह की तरफ से उनको खाना भी दिया जाता है और बोलो भाई पीना भी दिया। तुम्हें अकल नहीं है, इसलिए शहीदों को आप मुर्दा न कहो। कुरान कह रहा है आप शहीदों को मुर्दा न कहो। उनको हर तरफ से अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उनको खाना भी देता है, पीना भी देता है। ओ लोगों, तुम्हें अकल और शऊर नहीं है कि तुम उसको समझ सको। तो अजीजो मेरे प्यारो, इसलिए आपने देखा होगा कितनी मतलब कब्र खोदते हैं तो बाज लोगों के कब्र वैसी की वैसी, कफन को दाग भी नहीं लगा होता, वैसे के वैसे सोए होते हैं। और पूछते हैं भाई कितने साल की कब्र है? बोलो क्या 40 साल, कोई बोलता है 30 साल, कोई कहता है 50 साल। और बोलो भाई जो जमीनों में कीड़ों के अंदर बदन को रखा गया वही कीड़ों की हिफाजत करने वाला कौन है? बोलो वहां अल्लाह। वहां कोई असबाब नहीं था बचाने वाला। ऊपर भी कीड़े, नीचे भी कीड़े, दाएं और बाएं भी कीड़े, जमीन के बीचों बीच इंसान का बदन है। अल्लाह खाल खिलाना चाहता तो खिला सकता था, लेकिन जल अल्लाह जिसकी हिफाजत करने पर आए उसको वो लोग एक बाल भी कोई बिका नहीं कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, वइज काल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता। अल्लाह तू मुर्दों को वापस कैसे जिंदा करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया, ए इब्राहिम क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को वापस कैसे जिंदा करता हूँ?
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي कि अल्लाह मुझे यकीन तो है कि तू मुर्दों को वापस जिंदा करेगा लेकिन मैं मेरे आंखों से देखना चाहता हूँ, मेरे दिल का सुकून चाहता हूँ, मैं मेरे आंखों से देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को वापस किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम आओ जंगल में आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जंगल में बुलाया और चार परिंदे पकड़ाए। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में चार परिंदों के नाम भी लिखे, कबूतर, मोर, कौवा और मुर्गी। ये चार परिंदे किसने पकड़े? बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़े और उनको कहा ज़बह करो, और एक का गोश्त दूसरे के गोश्त में मिला दिया, एक की हड्डी दूसरे की हड्डी में मिला दी, एक की चोंच दूसरे की चोंच में मिला दी, एक के चमड़ी दूसरे की चमड़ी में मिला दी। अब अल्लाह ने कहा قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل جبل کہتے پہاڑ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان। تم دیکھتے نہیں ہو الگ الگ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ कहीं सिया, कहीं सफेद, कहीं काला, कहीं लाल, ये पहाड़ किसने बड़े बड़े, कहीं पत्थर के और कहीं जमीन के पहाड़ अल्लाह ताला ने किसने पैदा किए और जमीनों को थाम दिया है पहाड़ों ने। पहाड़ पर थोड़े थोड़ा गोश्त डलवाया, थोड़ा थोड़ा गोश्त पहाड़ पर डालने के बाद अल्लाह ताला ने कहा अब इब्राहिम कहो कि अल्लाह के हुक्म से आप वापस जिंदा होकर मेरे सामने आओ। तुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर वापस मेरे सामने आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इन परिंदों को कहा कि तुम्हें अल्लाह का हुक्म है, तुम भी इज़्निल्लाह तुम्हें अल्लाह का हुक्म है कि वापस जिंदा होकर आओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे आंखों के सामने थोड़ा गोश्त इस पहाड़ से उठा, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ से उठा, थोड़ा गोश्त इस पहाड़ से उठा, और हवा के अंदर जिसकी चोंच थी चोंच में मिलती चली गई, जिसका गोश्त था गोश्त में मिलता चला गया, जिसका पांव था पांव मिलता चला गया, जिसकी चमड़ी थी चमड़ी मिलती चली गई, और उड़ते उड़ते हजरत इब्राहिम के हाथ में छीन छीन कर बोलो भाई आ गया। कुरान कह रहा है, ये कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं है, ये कुरान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। वही अजमत वाला और हिकमत वाला है, वही है आज मैं और आप ये कह रहे कि मौल साहब जिंदा थे, दादा लोग चले गए, परदादा लोग चले गए, अब आज तक किसी को जिंदा होते देखा नहीं है। अरे जिंदा होना है और जिंदा होकर बोलो भाई दुनिया के अंदर हमने जो काम कच किया है, जो ऊपर नीचे किया है, उसका हिसाब किताब देना है। इसलिए जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने यही किताब का आपको हवाला दिया था गुज़िश्ता जुमा में, उसी किताब में से मैंने एक हदीस को मैंने पहले भी आज से दो तीन साल पहले रमजान में सुनाई थी कि हजरत माज बिन जबर रदी अल्लाह ताला ने सवाल फरमाया किससे बोलो भाई, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया कि अल्लाह ताला जब कब्रों से उठाएगा, जब कब्र से उठेंगे तो क्या हाल होगा? ये आप जितने भी बड़े बड़े मकान पहाड़ देख रहे हो ना, अल्लाह ताला कयामत से पहले उनको रुई की तरह उड़ाएगा। कैसा उड़ाएगा? यही किताब में है, रुई की तरह उड़ाएगा, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को एक चतियल मैदान कर देगा, चतियल मैदान कर देगा, और चतियल मैदान के बाद 40 दिन तक 40 रात तक अल्लाह मुसलसल बारिश बरसाएगा। कितने दिन तक बोलो भाई? 40 दिन और 40 रात एक सेकंड के लिए भी बारिश बंद होगी नहीं। जब बारिश होगी तो आज हम देखते हैं कि 9 बजे बारिश हुई,
फिर भी गर्मी लग रही है, एसी में भी हमें चैन सुकून नहीं है, लगता है ना। और जब बारिश होती है तो जमीन के अंदर से कहीं भी घास फूस निकल आते हैं, घास निकल आते हैं, कहीं भी बोलो भाई जमीन से बाहर घास फूस निकल आते हैं। हम देखते हैं बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन आएगा कयामत का दिन जब अल्लाह ताला पूरी जमीन को चट्टल मैदान करेगा और फिर 40 दिन और 40 रात तक बारिश को बरसाएगा। अल्लाह ताला उस दिन घास नहीं उगाएगा, उस दिन बदन उगाएगा इंसानों के। क्या उगाएगा बोलो जोर से, इंसानों के बदन उगाएगा इंसान। आए कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया तीसरे पारे में, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन में अल्लाह जलजला डालेगा, वा अख़रजतिल इंसानु मा लहा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वा अख़रजतिल अर्दु अथ्क़ालहा, وقال الانسان ما لها, इंसान के बदन अल्लाह बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। और जब बाहर फेंकेगा और इंसान खड़ा होगा तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जब कयामत के दिन खड़ी होगी, ये कान खोल कर ये हदीस को सुन लेना, मेरी उम्मत मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी उम्मत कयामत के दिन जब उठेगी उनकी 12 जमातें होगी। कितनी बोलो भाई, 12 जमात। ये पूरी हदीस यहाँ लिखी है, जिसको देखना हो जुमा के बाद ये किताब लेकर पढ़ लेना। हजरत माद बिन जबर रदी अल्लाह तआला के सवाल पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंसू बहाना, ये पूरी किताब आंसू बहाने की है। किताब का नाम ही क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां कहां आंसू बहाए, ये पूरे हदीस यहां जमा की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, माज़ बिन जबर रदी अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया ये आयत पढ़ते हुए, यौम युनफखु फिस्सूर फतअतूना, जब सूर फूका जाएगा, जब पहला सूर फूका जाएगा, सूर कैसा होगा, और सूर फूकने वाला फरिश्ता सूर लेके मुंह पर खड़ा है और उनके 3 सुराख है और 1 सुराख कितना बड़ा है, जमीन और आसमान को जमा कर दिया, पूरी दुनिया को जमा कर दिया जाए, आसमान को जमा कर दिया जाए, इतना एक बड़ा सुराख है, ऐसे 3 सुराख है और पहला सुराख में से जब बजेगा तो पूरी दुनिया में बोलो भाई लोग मर जाएंगे, जो जिंदा होंगे वो मर जाएंगे और जो हामिला होगी अपना हामिला बोलो भाई बच्चा जन्म देगी। कुरान में ये पूरा खौफनाक, आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज इतनी खतरनाक होगी, डरावनी होगी कि लोग उसी में ही मर जाएंगे, उसी में ही मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया ये आयत पढ़ते हुए, यौम युनफखु फिस्सूर फतअतून अफवाजा का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इस सवाल के करने पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर रोए के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से कपड़े तर हो गए, दाढ़ी नहीं, क्या तर हो गया, कपड़े भीग गए, इतने तर हो गए। पर आज हमें अल्लाह का खौफ, कब्र की अजाब, जहन्नम का अजाब सुनाया जाए हमारे दिलों पर और कानों पर कोई असर नहीं। ये तो अल्लाह का रसूल है, मासूम है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान पाक की आयत पढ़ी और कहा इसका क्या मतलब, तो अल्लाह के रसूल इतने रोए कि कपड़े भीग गए, तर हो गए, आंसुओं से, पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। आज तो हमारा आंसू भी निकलता नहीं, हम इतने गुनाह कर दिए इतने गुनाह कर दिए कि ये दिल अल्लाह के सामने झुकने के लिए और ये आंखों से इतने गुनाह किए कि ये आंख अल्लाह के सामने रोने के लिए भी तैयार नहीं। फिर फरमाया मास, तूने एक बहुत बड़ी चीज का सवाल किया। किसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मांग
तूने बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल किया। मेरी उम्मत हश्र के मैदान में 12 जमातों में तकसीम होगी। कितनी जमातों में? 12 जमातों में तकसीम होगी। 12 जमातों की टीम होगी और हर टीम अलग अलग होगी, हर जमात अलग अलग होगी, और उसके हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया कि एक जमात कब्रों से उठेगी, उनके हाथ पांव नहीं होंगे, इनके हाथ पांव नहीं होंगे। तो भाई तुम्हारे मेरे दिल में सवाल आएगा कि चलेंगे कैसे? जो अल्लाह पांव पे चलाता है वही अल्लाह सर के बल चलाएगा, है ना? कयामत के दिन सर के बल चलेंगे। कुरान में ये वो लोग होंगे जो अपने पड़ोसियों को सताया करते थे, अपने पड़ोसियों को, बोलो जोर से। अब सताना ये नहीं है कि किसी को गाली दे देना, किसी को ये दे देना। मैं हमेशा एक चीज में आपको कहने वाला था, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में अभी डाली। लोग ये अपार्टमेंट से खाना ऊपर से नीचे डालते हैं। मेरी बात मेरी माँ बहनें सुनती है, बहुत गौर से सुनती है हर जुमा को, और खबर भी भेजवाती है कि अल्लाह का शुक्र है आप अच्छा बयान करते हैं और हम उस पर अमल भी करते हैं। तो मेरा कहने का फरीजा है कि ये अनाज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितनी मर्तबा तो मैं खुद जब यहां से जाता हूं तो रोटी उठाकर साइड पे रखता हूं। अभी कल परसों की बात है, एक पूरी थैली हड्डियों से भरी हुई, रोटी से भरी हुई, किसी ने तीसरे अपार्टमेंट से डाला और डाल कर नीचे डाला तो कुत्ते खींच कर जा रहे थे। मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने बच्चे को कहा कि उसको उठाओ और साइड पर रखो। ये अनाज की बेहरमती है। अनाज अल्लाह ताला छीन लेगा, रोजी को छीन लेगा ऐसा करोगे तो। ये किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के आंगन में डालना, किसी के आंगन में कचरा डालना, ये भी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने में शुमार है। किसी के पड़ोसी के आंगन में पानी डालना, किसी पड़ोसी के आंगन के अंदर कचरा डालना, बदबूदार डालना, अनाज डाल देना, ये भी सब क्या है? बोलो भाई पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने में शुमार है। जो कयामत के दिन जो सबसे पहली जमात जो उठेगी उनके हाथ पांव नहीं होंगे। हजरत माज बिन जबर रदी अल्लाह ने पूछा, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन लोग होंगे जिनके कयामत के दिन जब कपड़ों से उठेंगे उनके हाथ भी नहीं होंगे, उनके पांव भी नहीं होंगे, ये कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो मेरी उम्मत के लोग होंगे जो अपने पड़ोसियों को सताए। आज तक सताया हो, ये हदीस आपके कान तक पहुंच चुकी है, अब जाकर माफी तलाफी कर लेना। करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पड़ोसियों के बारे में इतना डराया गया, इतना डराया गया, इतना डराया गया कि मुझे ये डर होने लगा कि जैसे वारिसों को विरासत मिलती है कहीं अल्लाह ताला पड़ोसियों को विरासत का हुक्म न दे। तो बताओ पड़ोसियों का कितना बड़ा हक है। आज ये जमाने में कुट कुट कर भरा हुआ है पड़ोसियों को बाकायदा सताना, उसको यहां से भरोती को भगाना कि ये कहां से भाग जाए। ना करो ना करो, अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह का रसूल भी नाराज होगा, और कयामत के दिन उठेंगे तो इस हाल में उठेंगे। आपके पास वक्त तो है ना, ये 12 जमात सुनना है कि नहीं सुनना है? फिर आइंदा जुमा से इंशाल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 4 इम्तिहानात, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बड़े बड़े 4 इम्तिहान हुए, फिर फलम्मा बलगा माहु सईया काला या बुनैया, वो आखिरी इम्तिहान है, फिर उसको बकराईद तक अपने ले जाएंगे। तो खैर मुसलमानों, दूसरी जमात कब्रों से उठेंगी, उनकी शक्ल खिंजीर जैसी होगी। किसकी होगी बोलो भाई? खिंजीर। खिंजीर समझते हो? अरे समझते हो, ऐसे तो बहुत बोलते हो, अब तो बोलो सबक पर आ रहा हूं। खिंजीर तो समझते हो ना, जिसको हम गुजराती में सूवर कहते हैं, भूंड। जब कब्रों से उठेगी दूसरी जमात उसका चेहरा कैसा होगा? खिंजीर जैसा होगा। ये वो लोग होंगे, ये वो जमात होगी जो नमाज में सुस्ती और गफलत किया करते। हाय, किसी को मत देखो, अपने आप को, अपने आप को। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। कहने वाला तुमसे ज्यादा मोहताज है,
कहने वाला तुमसे ज़्यादा मोहताज है। अल्लाह मुझे भी नमाजों के अंदर पाबंदी नसीब फरमाए, खुशू और खुजू वाली नमाज अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ऐसी नमाज अता फरमाए। जब तक अपने आप की इस्लाह में नहीं लगोगे, दूसरों की इस्लाह नहीं कर पाऊंगे। तीसरी जमात अपने कब्रों से उठेगी, उनके पेट उनके पहाड़ों की तरह होंगे। पेट कैसे होंगे? पहाड़, वो मिनल जिबाल, अभी बताया मैंने, पहाड़ों की तरह उनके पेट होंगे, उनमें सांप और बिच्छू भरे होंगे। ये वो लोग होंगे जो माल की जकात अदा नहीं करते थे, जो माल की जकात अदा नहीं करते थे। आज तो अल्लाह के साथ भी चीटिंग करते हैं लोग, कैसे बताऊं? जैसे मेरे पास में साहिब माल हो गया, बराबर, अब मैं जकात देने वाला हूँ कि भाई ये साल खत्म हो गया, तो साल खत्म होने से पहले बीवी को मालिक बना दिया। अरे बीवी का माल तेरा माल है, तेरा माल तेरे निकाह में आई है वो, और तेरी हर चीज की हिफाजत कौन करता है? बीवी करती है। पर अल्लाह के साथ ऐसी चीटिंग करते हैं। और मैंने आपको ये हदीस बतलाई थी, शायद याद हो, याद रखा करो मेरी बातों को। मैं हर चीज कुरान और हदीस से देता हूँ। जो आदमी जकात के लायक ना हो, फिर भी वो जकात ले, वो जकात का मुस्तहिक ना हो, फिर भी वो जकात, बोलो भाई, ले, अल्लाह ताला उसके घर में खून खराबा पैदा करता है। क्या पैदा करता है? खून खराबा, दुश्मनियां पैदा करता है। अब तुम सोच लेना मेरे समाज में, मेरे घर में क्या है। चौथी जमात जब कब्रों से उठेगी, उनके मुंह से खून जारी होगा। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला के अहद व पैमान के बदले माल लिया करते थे। लाओ भाई कुरान पढ़ाओ ने, लाओ 10,000 रुपया। लाओ तुमको नमाज पढ़ाई ने, लाओ 20,000 रुपया। आज बाकायदा सौदा किया जाता है। ये बात इस पर मत फिट करना कि हम लोग नमाज पढ़ाते हो पगार लेते हो, पढ़ाते हो बच्चों को तो पगार लेते, तो उस पर फिट होता है ना। हम पढ़ाने का पगार नहीं लेते, हम जो वक्त देते, जो टाइम देते, उसका हम, बोलो भाई, हदिया लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलो भाई, हदिया। जो दीन को बेचते थे, जो गलत मलत समझकर दीन को चरा बरा कर बयान कर लोगों के जेब को, बोलो भाई, हल्का करना, लोगों के जेब से खींचना पैसे, उलट पुलट कर ये दीन को बेचना होता है। सही माने में दीन लोगों के सामने बयान करे और कोई हदिया दे और उसका कोई हदिया तय कर दे, तो उस पर कोई हरज नहीं है। हर इमाम ने फतवा दिया है कि वो ले सकता है, उसकी भी जरूरत है, वो भी इंसान है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं। पांचवी जमात जब कब्रों से उठेगी, उनके जिस्म फूले हुए होंगे और उनसे मुर्दार की बदबू जैसी सख्त बदबू आएगी। ये वो लोग होंगे जो लोगों के डर की वजह से छुप कर गुनाह करते थे। बाजू ले, मौलाना देख लेंगे, मेरा मोहल्ले वाला देख लेगा, ये देख लेगा, लेकिन ये नहीं देखता कि अल्लाह देख रहा है। लोगों के छुप छुप के, लोगों से छुप छुप के गुनाह करे, वो कयामत के दिन जब उठेगा, उनके बदन फूले हुए होंगे और उनके बदनों से मुर्दार जैसी, बोलो भाई, बदबू आएगी। ये वो लोग होंगे जो लोगों से छुप छुप कर गुनाह करते थे। छठी जमात जब कब्रों से उठेगी, ये वो लोग कब्रों से जब वो खड़े होंगे, उनके गले कटे होंगे। ये वो लोग होंगे जो झूठी गवाही देते थे। क्या कहूं, झूठी, पता है कि भाई ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है, लेकिन ये मालदार है और ये गरीब है, लेकिन गरीब को बेचारे को साइड कर देते और बोलो मालदार का साथ देना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सातवीं जमात जब कब्रों से उठेगी, उनके मुंह में जुबाने नहीं होगी, उनकी मुंह में जुबाने नहीं होगी, बल्कि खून और पीप जारी होंगी। ये वो लोग होंगे जो जान मुझ कर गवाही नहीं देते थे। लो बात आ गई, जान मुझ, खबर थी कि ये गलत है और ये सही है, फिर भी बोलो जान मुझ कर गवाही नहीं देते। नौवीं जमात, हाँ आठवीं जमात कब्रों से जब उठेगी,
ऊंधे मुंह उठाई जाएगी, उनको उल्टे मुंह उठाई जाएगी, ऊंधे मुंह उठाई जाएगी। ये वो लोग होंगे जो जीना किया करते थे और बगैर तौबा किए मर गए। तो कदम कदम पर जीना, सिर्फ एक जीना नहीं है जो ख्वाहिशात को पूरा करे, जीना आंखों से भी होता है, जीना जहन से भी होता है, जीना हाथ से भी होता है, और जीना बोलो भाई पांव से भी होता है। अल्लाह मेरी और आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। नौवीं जमात जब कब्रे से कब्र से सिया चेहरे और कीरी कीरी आंखों वाली, छोटी छोटी आंखें कीरी जैसी होती है ना, चूटी कीड़ी आंखों वाली उठाई जाएगी, उनके पेटों में आग भरी होगी। ये वो लोग होंगे जो यतीमों का माल जुलम के साथ हड़प कर जाते थे, यतीमों का माल खा जाने वाले कयामत के दिन बोलो भाई इस तरह उठाए जाएंगे। और आज दुनिया में हो रहा यतीमों के ऊपर चढ़ाई करना, यतीमों का घर हड़प करना, यतीमों का माल खा जाना हमारा शेयर बन चुका है। दसवीं जमात जब कब्र से उठेगी वो बरज और जुजाम वाली होगी, बरज और जुजाम उसके बदन में पूरा सरा होगा और खून बह रहा होगा, पीप बह रहा होगा। ये वो लोग होंगे जो वालिदैन को नाराज करते और उनकी नाफरमानी करते और उनको सताते थे, वालिदैन को सताने वाले जब कब्रों से उठेंगे तो उनका पूरा बदन सरा हुआ होगा और पूरे बदन से बोलो भाई जख्म ताजा होगा और पीप और खून बहता होगा, सरा हुआ होगा। ये वो लोग होंगे जो अपने माँ बाप को सताया करते हैं। ग्यारहवीं जमात जब कब्रों से ऊंधी उठाई जाएगी, उनके दांत, ये दांत है ना, दांत बैल के सिंह की तरह होंगे, ये दांत बैल के सिंह की तरह होंगे, उनके होंठ उनके सीने पर लटकते होंगे, दांत बैल के सिंह और बोलो होंठ उसके सीने पर लटकते होंगे। ये वो लोग होंगे जो शराब पीते थे, जो शराब पीते थे, जो शराब पीते। और बारहवीं जमात जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उनके चेहरे सफेद होंगे, उनको कयामत का कोई खौफ नहीं होगा और अल्लाह खुद उनको कहेगा उठो आज कयामत का दिन है, आओ या अय्यतुहन नफ्सुल आए। अजीज मेरे प्यारो, वापस इसको सुनाऊंगा तफसील से, अभी तो मेरे को वक्त नहीं था तो उसकी तफसील नहीं की, सिर्फ मैंने पढ़ के सुना दिया। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो बकरा ईद के बाद वापस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां कहां रोए, उम्मत के लिए रोए और उम्मत के लिए क्या हाल होगा कयामत के लिए, पूरा उसमें है। तो इंशाल्लाह बाकी बातें इंशाल्लाह फिर दूसरी मजलिस में अल्लाह ताला ने जिंदगी बाकी रखी तो करेंगे। ये जो सुना है अपने कान तक और अपने दिल तक महदूद न रखना, अमल में ले आना, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, नमाज न पढ़ने पर क्या वईद है, पड़ोसी को सताने पर क्या वईद है, और झूठी गवाही देने पर क्या वईद है, शराब पीने पर क्या वईद है, और झूठी गवाही देने पर क्या वईद है, ये सब मैंने आपको सुना दिया है। अब काम है मुझे और आपका, बोलो भाई उस पर अमल करो। इसलिए ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, यहाँ जो आया है जाने के लिए आया है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। जो यहाँ हम अमल करेंगे उसका दुनिया में भी अल्लाह हमें हिस्सा बना देगा और आखिरत में भी हमारा हिस्सा रखेगा। इसलिए अजीजों मेरे प्यारों को ये ना समझे कि मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ तो मेरे पास कम हो जाएंगे, मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास फिर मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह खाऊंगा, मैं किस तरह घर पालूंगा, ये सब देकर तो देखो अल्लाह तुम्हारी तमाम हाजत गैब से पूरी कर देगा इंशाल्लाह। तो अजीजों मेरे प्यारो, मैंने जितनी भी बातें कही है सबसे पहले कहने वाला मोहताज है, फिर सुनने वाले। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।